सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन SWL एंड WLL। हम सभी ने साइट में जब काम करते हैं, जो भी लिफ्टिंग एक्सेसरी होता है, टूल्स एंड टैकल्स होता है, जो भी लिफ्टिंग गियर्स होता है, उसमें जो है हम लोग ये पढ़ते हैं WLL 4 टन, WLL 2.5 टन, WLL 8 टन और कुछ डिशागल वगैरह में लिखा होता है, आप लोग ये देखे होंगे। और कुछ जो वेब सीलिंग होता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है WLL 4 टन 2 टन, और कुछ सीलिंग वगैरह में भी लिखा होता है SWL 10 टन, SWL 6 टन, SWL 4 टन, SWL 2 टन। तो ये जो WLL है और SWL है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? SWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड, और जो WLL होता है उसका मतलब होता है वर्किंग लोड लिमिट। अब देखिए, आसान भाषा में समझाता हूँ। जब कभी एक वेब सीलिंग जब मैन्युफैक्चर होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अब जो भी, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जो टफ कंपनी की वेब सीलिंग होती है, जो कंपनी होती है जो भी वेब सीलिंग बनाती है, उन्होंने एक वेब सीलिंग मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। अब उनके जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वेब सीलिंग के ऊपर WLL मार्क करके देते हैं, मतलब वर्किंग लोड लिमिट जो है वो मार्किंग करके दे देते हैं कि हमने इतने पे इसको टेस्ट किया था, हमारा रिसर्च, हमारा डेवलपमेंट वगैरह सब जो है इसमें हमने ये करके इसको जो है हम 10 टन का सर्टिफाई करते हैं। ये जो WLL होता है दोस्तों, ये वाला कंपनी की तरफ से सर्टिफाई होता है, जो कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरर बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और जो SWL होता है, सेफ वर्किंग लोड, ठीक है, वो जो है दोस्तों एक कंपिटेंट ऑथोरिटी करता है, जैसा कि हम थर्ड पार्टी की तरफ से करवाते हैं। अगर साइट पे हमारी कोई वेब सीलिंग आई है, कोई भी वायर रोप सीलिंग आई है, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, फॉर्म 11 का थर्ड पार्टी के तरफ से, तो उसे कौन देगा? क्योंकि कंपनी वाला जो है सिर्फ वर्किंग लोड लिमिट लिख के देता है और जो है एक MTC दे देगा अगर आपको चाहिए तो। MTC का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, ये कौन देता है? कंपनी देता है, ठीक है। कंपनी वाला ने बनाया, कंपनी वालों ने अपने एक पेपर में लिख के दे दिया, और सीलिंग के ऊपर, वेब सीलिंग के ऊपर जो भी टूल्स एंड टैकल्स होते हैं उनके ऊपर लिख लिया WLL हमारा इतना टन, हमने टेस्ट किया है बस, और हमने ख़रीद के लेके आ गए साइट पे। तो साइट में हमें जो है रिटर्न में चाहिए एक्चुअली कितना लोड लेता है, इसका SWL कितना है। कंपनी ने कुछ तो कहानी सुना दिया, लेकिन हमें साइट पे चाहिए हकीकत में क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंपिटेंट अथॉरिटी को पकड़ते हैं, ठीक है। वो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट बॉडी से उनका सर्टिफाइड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन्हें अप्रूव करती है कि आप जो है आप कंपिटेंट हो, आप इस काम के लिए लायक हो, आप जो है टेस्ट वगैरह कर सकते हो, जितने सारे टूल्स एंड टैकल्स होते हैं आप कंपिटेंट हो इसके लिए। इसके लिए गवर्नमेंट से उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो आएंगे और जो है टेस्ट करेंगे, जो भी टूल्स एंड टैकल्स होता है वो टेस्ट करेंगे, लोड देखेंगे, फिर लोड देके टेस्ट करेंगे, फिजिकल जो होता है कंडीशन वो देखेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो सर्टिफाइड करेंगे, और बकायदा एक फॉर्म 11 का जो पेपर होता है उसमें वो लोग लिखेंगे क्या क्या, मतलब टूल्स एंड टैकल्स क्या है और वो कितना लोड ले सकता है और कब सर्टिफाइड हुआ, मतलब कब इसे बनाया गया है मैन्युफैक्चर ईयर और कब इसे टेस्टिंग किया गया है, और 6 महीने के लिए वो वैलिडिटी दे देते हैं। वो जो SWL दिए हैं बस वो वाला SWL हमें फॉलो करना है। तो यही फ़र्क होता है WLL और SWL में। हमेशा याद रखिए WLL जो है मैन्युफैक्चरर देता है, या फिर आप WLL बोल सकते हैं या फिर MTC बोल सकते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सिर्फ जो है हमारे जानने के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग टेस्ट मतलब हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ है। तो जो SWL होता है वो हम लोग जो है थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, बस यही फ़र्क है।
तो ये जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि WLL और ASWL इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इन्हें जो बनाने वाले होते हैं, सर्टिफाइड करने वाले होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। WLL जो है मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट, टेस्ट सर्टिफिकेट जो है मैन्युफैक्चरर बनाती है देती है, और ASWL जो है हम थर्ड पार्टी से थ्रू करवाते हैं। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पे दोस्तों हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा WLL और ASWL का डिफरेंस क्या है, आप बता ही नहीं पाएंगे जबकि हम साइट में देखते ही रहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कुछ भी बना के देता हो, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हम साइट पे उसे थर्ड पार्टी के थ्रू टेस्ट करवाएं। अब जैसे कि कोई फॉकलिफ्ट वगैरह हो गया या फिर कोई पैलेट ट्रक वगैरह हो गया, हम लोग खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। अब हम फिर भी उसे टेस्ट करवाते हैं ना, जब कभी नया करके क्रेन आती है, ठीक है, नया 80 टन की क्रेन आ गई, हम फिर भी उसे टेस्ट करवाते हैं ना थर्ड पार्टी के तरफ से। हमें तो पता है 80 टन कैपेसिटी है इसकी, हम 60 टन इसमें लोड दे सकते हैं आराम से करके, लेकिन नहीं, फिर भी हम टेस्ट करवाते हैं, कराना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय सुरक्षा दोस्तों।